नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जनपद गोंडा के एरिया आर नगर के समीप आए हुए हैं और हमें एक उन्नतशील फार्मर मिले हैं जो हमारा स्टार्टअप जनपद गोंडा में चल रहा है, जो किसानों के दोनों पैर पर काम कर रहा है। एक तो खेती और दूसरा किसानों का जो पैर है वो है पशुधन, गाय और भैंस। इस पर ये जो आप हाथ में उत्पाद देख रहे हैं और दोनों लोग जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, विपिन पांडे जी जो हमारे उन्नतशील पशुपालक हैं, जो काफ़ी गाय और भैंस और बहुत दिनों से ये पशुओं को जो है फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, और हमारे साथ में हैं आर्यनगर से डॉक्टर विनय कुमार जी, जो पशुओं में ब्रीडिंग पॉलिसी का काम करते हैं। लगभग 11 से 12 साल हो गया इनको इस एरिया में किसानों को अच्छी ब्रीड देते हुए। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हुए थे और हमारी एक छोटी सी किसान गोष्ठी और स्टार्टअप की शुरुआत थी आर्यनगर में, और एक भाई साहब आए जिन्होंने जो है CFC खिलाया था अपने पशुओं का, और ये जो हमारे CFC के 14 फायदे हैं तो इसमें ये 2-3 फायदा पा चुके हैं, तो हम थोड़ा इनसे आपकी बात कराएंगे और इनसे इनका मोबाइल नंबर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं अगर डिजिटल इंडिया है तो हमारे रिजल्ट भी डिजिटल होने चाहिए, जो पारदर्शक हों, जो इस पार से उस पार लोगों के समझ में आए। तो पांडे जी को नमस्कार। नमस्कार भैया। सर अपना थोड़ा मोबाइल नंबर बताएंगे। मेरा मोबाइल नंबर 72-75-78-29-84 है। ठीक है, आपने बताया कि हमारा मोबाइल नंबर 72-75-78-29-84 है। सर आपको इस भारत सरकार के टैक्स फ्री उत्पाद CFC, जो कैटल फीड कंसंट्रेट के नाम से जाना जाता है, आपको अपनी गाय में देते हुए अभी 7 डे हुआ है, आपको क्या क्या रिजल्ट मिला आपके ही जुबानी? रिजल्ट भैया इसका जो फैट जो बढ़ा है और इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी जो बड़ा हुआ है। जी 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 जी। और दो फायदे हुए हैं जी, और गाय भी स्वस्थ हो गई है, अभी तो दुबली पतली थी। जी जी। तो फायदा लगा तभी तो है। बहुत 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 धन्यवाद। आपका कहना है कि अभी मात्र 7 डे हुआ है, हम लोग इसको कहते हैं किसान से कि एक डिब्बा तो अंदर करिए, फिर आप हमसे बाद में बात करिएगा, लेकिन आपने 7 डे में रिजल्ट दिया है। आपका कहना है कि हमारे पशु की भूख भी बढ़ गई है, चारा वो अच्छे से खाती है, अब लाजमी है कि उसका दाना कम होगा अगर वो चारा ठीक से खाएगी। और दूसरा चीज़ जो हमारे किसान का कहना है कि हमारे दूध में फैट और स्नैप की मात्रा ज़्यादा हुई है, क्योंकि किसान का दूध विक्रय केवल दूध की मोटाई पर निर्भर होता है, क्योंकि आज मशीनरी युग आ गया है, हर आदमी दूध की पतलेपन और मोटेपन को देखकर ही उसकी वैल्यू आँकता है, तो दूध का फैट भी बढ़ाता है CFC, और दूध भी बढ़ा है, दूध की क्वांटिटी को भी बढ़ा।